नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मनगवा पहुंचकर राजेंद्र जोगी के पिता के निधन पर एवं बेटा तिवारी के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने उमरिया व्यवहारियान में फुलेल प्रसाद तिवारी के दुखद निधन, हसलों में राम मिलन तिवारी के दुखद निधन, गनगवा में राजेश कोल के पुत्र के दुखद निधन एवं नौढ़िया प्रहलाद में सरपंच कलावती आदिवासी के भतीजे के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया तथा परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बधाया। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने भ्रमण के दौरान पिपरा पहुंचकर चंद्रिका प्रसाद मिश्रा के निधन पर, रतनगवा में सुभाष विश्वकर्मा की धर्मपत्नी के निधन पर एवं शंकर लाल कोल के निधन पर शोक संतृप्त परिजनों से भेंट की। उन्होंने कुलबहेरिया में चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी के निधन पर, पहाड़ी नरपति सिंह के आदर्श तिवारी की सड़क दुर्घटना में हुई दुखद मृत्यु तथा सगरा में अशोक सिंह के पिताजी के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया। शोक संतृप्त परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सुरेंद्र सिंह, मन्नू गुप्ता, पुष्पेंद्र गौतम उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मनगवा में 5,73,000 रुपए की लागत से बनाए जा रहे 30 बिस्तर अस्पताल भवन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य कराए जाएं। उन्होंने कहा कि निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी कर कार्य की गुणवत्ता को सुधारने के लिए निर्देशित करें। उन्होंने विधानसभा स्तर से समिति बनाकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने की बात निरीक्षण के दौरान कही। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की हेला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा मनगवा के लिए बड़े अस्पताल की सौगात दी गई है, इसके निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाए। इस दौरान निर्माण एजेंसी PIU के कार्यपालन यंत्री सहित स्थानीय जन उपस्थित रहे।